हेलो स्टूडेंट्स आ हार्टी वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यू जी सी नेट एंड सेट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो इफ माई वॉइस इज ऑडिबल एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू कैन स्टार्ट विद द सेशन सो स्टूडेंट्स आज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि हम एक सिंगल सेशन में फिफ्टी से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम आई सी टी यूनिट जो आपके यू जी सी नेट एग्जामिनेशन का पेपर वन का ये आपका है एटथ यूनिट यहाँ पे आपको फाइव क्वेश्चन आएंगे टोटल ऑफ टेन मार्क्स और ये टेन परसेंट है आपके पेपर वन के सिलेबस का वेटेज रखता है यहाँ पे हम सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम कॉन्सेपचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स जैसा आपको पता है कि आपका पोस्ट एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो यहाँ पे अभी आपके पास नियरली फोर्टी डेज है प्रिपरेशन करने के लिए तो हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू बैच पेपर वन के कोर्स का जहाँ जो इलेवंथ ऑफ ऑगस्ट से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे नोट्स मिलेंगे लास्ट टेन क्वेश्चन पे लास्ट टेन ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर टेस्ट सीरीज मिलेगी क्वेश्चन बैंक मिलेगा बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे इस कोर्स में पेपर वन के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूडेड है यहाँ पे इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे फीस थर्टी फाइव हंड्रेड है पर हम फिफ्टींथ अगस्त तक थर्टी परसेंट ऑफ दे रहे हैं तो आफ्टर डिस्काउंट फीस है सिर्फ टू फोर फाइव जीरो और इसमें आप डायरेक्टली अगर इस कोर्स से पढ़ते हैं आप सेवेंटी फाइव प्लस मार्क्स गारंटीड हैं आपके पेपर वन में साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास यू जी सी नेट पेपर टू के लिए भी नोट्स एंड एमसीक्यूज अवेलेबल है इन सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस कॉमर्स यहाँ पे फीस फिफ्टीन हंड्रेड है पर हम थर्टी परसेंट आपको डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर विच फीस है वन जीरो फाइव जीरो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स कंटेंट परचेज कर सकते हैं और एक ही कंटेंट से यानी हमारे सिर्फ नोट्स एंड एम पढ़ के भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी पेपर टू की सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल अब यूआरएल हम सभी जानते हैं हमने कई बार सुना है पर इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अल्टीमेट रिस्पॉन्स लोकेशन यूनिक रिक्वेस्ट लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आप ब्राउजर्स में जाके गूगल क्रोम या इस सब पे आप देखते हैं ना http टी टी पी स्लैश गोलन कोलन डब्ल्यू 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 डॉट विकीपीडिया डॉट कॉम तो ये जो होता है इसको हम यू आर एल कहते हैं ये एड्रेस होता है ये किसी भी पेज का लोकेशन आपको फाइंड आउट करके देखता है किसी भी पेज का या किसी वेब रिसोर्स का ओके okay? तो यू आर एल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम कई बार हमने चेक के ऊपर लिखा हुआ देखा है बैंक में जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा एम आई सी आर कोड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स के लिए यूज होता है तो यहाँ पे राइट right आंसर है ऑप्शन एम आई सी आर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक रिकग्नेशन कैरेक्टर रिकोग्नेशन कोड ओके ओके स्टूडेंट जी क्या है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोग्नेशन एम आई आर सी कोड जिसको आप शॉर्ट uh, में एम आई आर सी कोड बोलते हैं और ये किसके लिए करता है? Uh, होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर प्रोसेसिंग और क्लियरिंग चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स तो यहां पे आपका राइट right आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार सेट एग्जामिनेशन में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट है एन इनपुट डिवाइस विच कैन रीड कैरेक्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ पेपर ओ सी आर ओ एम आर एम एस आई या पीओ एस तो एक इनपुट डिवाइस है डिवाइस है विच कैन रीड डायरेक्टली फ्रॉम एन पेपर ओके उसका उस डिवाइस का क्या नाम है ओके okay? तो यहां पे उस डिवाइस का नाम है स्टूडेंट्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ठीक है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ये क्या करता है ये डिजिट पेपर में से आपकी टेक्स्ट फाइंड आउट करता है ओके इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट टेक्स्ट विद इन अ डिजिटल इमेज स्कैन डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं तो ओसिया सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay? यहाँ पे ओ एम आर भी एक वर्ड है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यह आपको पता होना चाहिए ओ एम आर क्या है ऑप्टिकल मार्क रिकोग्नेशन ठीक है पर यहां जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम क्या है ओसीआर ओसीआर क्या है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नेशन ओके ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट वुड अ स्विच बी यूज इन अ नेटवर्क इन प्रेफरेंस टू अ हब देखिए आपके यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस में कई सारे डिवाइसेज यूज होते हैं स्टूडेंट्स राउटर्स यूज होते हैं ठीक है स्विच यूज होते हैं हब यूज होते हैं गेटवे यूज होते हैं बहुत सारे आपके अ डिवाइसेज यूज होते हैं अब स्विच कैसा हब से कैसे बेनिफिशियल है अगर कंपेयर करें तो वाई स्विच बेनिफिशियल क्या वो ट्रैफिक को रिड्यूस करता है वायरस को प्रिवेंट करता है कनेक्ट कंप्यूटर डायरेक्टली टू द इंटरनेट टू मैनेज पासवर्ड सिक्योरिटी एट अ वर्क स्टेशन तो ये करता है ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है स्विच ओके okay? क्या करता है स्विच नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है ओके okay? अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है जैसे कुछ कंप्यूटर्स हैं आपके ओके okay? और ये हब से जुड़े हुए हैं एक हब से अटैच्ड है ठीक है यहाँ ए है बी है सी है डी है तो अगर सी को बी को कुछ भेजना है तो वो क्या करेगा वो हब को भेजेगा और हब क्या करता है सारे ही कनेक्टेड कंप्यूटर्स को वो इंफॉर्मेशन भेज देता है तो इससे क्या हो गई नेटवर्क में ट्रैफिक जनरेट हुआ ये तो मैंने आपको एक इंस्टेंस बताया अगर कई मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हब को पहुंची हुई एक इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर करी तो उससे ट्रैफिक क्या होता है इंक्रीज होता है पर स्विच क्या करता है जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सिर्फ उसी को इंफॉर्मेशन भेजता है जिससे ट्रैफिक कम होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू हैंडल वॉइस इन कंप्यूटर डेटा एंड टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइडिंग एडिशनल टेलीफोन केपेबिलिटीज स्क्रैपिंग एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड तो वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो वॉइस और कंप्यूटर डेटा को हैंडल करता है टेलीफोन नेटवर्क्स पे ठीक है उसको आप कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जैसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे यहाँ जियो है एयरटेल है वोडाफोन है बी एस एन एल है ये सब क्या है ये आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको नेक्स्ट है अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच लुक्स टू पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड और टू कंपेटेबल लैंडक्टली मैसेजेस टू द करेक्ट नोट इज कॉल्ड तो एक कॉम्बिनेशन है किसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है दो लैंड के दो पार्ट को अटैच करता है या लिंक करता है ओके और इंफॉर्मेशन करेक्ट नोट तक पहुंचाता है उसको हम कहते हैं राउटर ठीक है राउटर कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स पे काम करते हैं ठीक right है याद रखिएगा बीस का राइट आंसर है डॉट टेम इजा डॉट टेम्प एक तरीके की आपकी टेम्पररी फाइल होती है स्टूडेंट्स ओके टेम्प फाइल जिसको हम कहते हैं डॉट तरीके की टेम्पररी फाइल होती है यानी का फुल क्या है? पूछा इंटरनेट प्रोटोकॉल DNS मीन्स DNS का फुल फॉर्म क्या है DNS बहुत इंपॉर्टेंट है DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम जैसे कि अगर आपको देखिए स्टूडेंट सबको याद रहता है गूगल डॉट कॉम ठीक है गूगल डॉट कॉम सबको याद रहता है पर गूगल डॉट कॉम का एक खुद का आई पी एड्रेस होगा वन वन टू डॉट थर्टी टू मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये हो सकता है टू जीरो आई पी एड्रेस हो सकता है पर सबको ये याद नहीं रहता तो ये याद रखने का काम डोमेन नेम सिस्टम का होता है ये क्या करता है ये यू आर एल को और आई पी एड्रेस का डेटा साथ में रखता है ओके जब हम सर्च करते हैं गूगल डॉट तो ये इस आईपी से जाके हमको डेटा फेच करके लाके देता है तो डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हम ट्वेंटी का बाइनरी कोड निकाल के देखते हैं ट्वेंटी का तो ट्वेंटी को टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन रिमाइंडर ज़ीरो फिर टू को हम डिवाइड करेंगे टेन से रिमाइंडर आएगा फाइव क्वेश्चन uh, आएगा फाइव रिमाइंडर जीरो फिर टू को डिवाइड करेंगे फाइव से क्वेश्चन टू रिमाइंडर वन टू वन जा टू रिमाइंडर जीरो तो और आंसर हमेशा नीचे से ऊपर लिखते हैं तो आंसर होगा वन ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो तो ये ये ट्वेंटी क्या हो गया ये जो टेन है स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये डेसिमल है ठीक है जिसका बेस टेन होता है वो डेसिमल होता है और जिसका बेस होता है वो बाइनरी होते हैं तो जब आप ट्वेंटी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा वन 10, जीरो वन जीरो जीरो तो आपका आंसर सी होगा राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फायरवॉल मीन्स क्या होता है फायरवॉल एक तरीका का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जो क्या करता है आपके नेटवर्क को बाहर के इंटरनेट से प्रोटेक्ट करके रखता है तो इट्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और अ पीस ऑफ हार्डवेयर बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन ठीक है प्रिंटर और मेमोरी चिप के बीच नहीं होता ये गलत ऑप्शन है फायर ऑन द वॉल गलत है फायरवॉल एक तरीके कोई भी वायरस नहीं है जैसे हमें क्या करना है हम एक कंपनी में काम करते हैं आप समझ लीजिए आप विप्रो में काम करते हैं तो विप्रो ने क्या करके रखा है एक फायरवॉल वॉल सेटअप करके रखा ताकि बाहर के जो इंटरनेट के यूजर्स हैं या हैकर्स हैं वो आपके इस कंप्यू कंपनी के अंदर के कंप्यूटर से इंटरक्ट ना कर सके क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहता है तो ये विप्रो ये फायरवॉल क्या करता है प्रोटेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को बाहर की नेटवर्क से विच ऑफ दिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स तो कभी भी बिलियन कैरेक्टर्स आए तो आंसर हमेशा गीगा है होता है और अगर ट्रिलियन कैरेक्टर्स है तो आंसर टेरा होता है ओके okay? ओके okay, सबसे छोटा होता है आपका स्टूडेंट बिट फिर होता है आपका बाइट फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट टेराबाइट तक आपको याद रखना है एग्जाम में उसके आगे, आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा आगे भी बहुत सारा होता है स्टूडेंट पेटाबाइट जोटाबाइट ये सारी भी चीज़ें होती हैं पर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है टेराबाइट तक आपको याद रखना है पी डी एफ किसका एब्रिविएशन अब, है तो पी डी एफ एब्रीविएशन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल ठीक है पी डी एफ में आप चेंजेस नहीं कर सकते स्टूडेंट जैसे कि अगर आपको किसी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना है कुछ नोट्स चाहिए तो ये क्या है पीडीएफ आप उसको शेयर करते हैं ये इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते अगर आपको जिससे कभी वर्ड फाइल में चेंजेस करना है आप वर्ड यूज करते हैं एमएस वर्ड पर आप पीडीएफ एडिट नहीं कर सकते द इनपुट कोड ऑफ अ कंपाइलर एंड असेंबलर इज कॉल्ड यानी कंपाइलर हमने देखा ना देखा था स्टूडेंट कंपाइलर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है ये क्या करता है ये सोर्स कोड लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो इसका इनपुट है सोर्स कोड ठीक है कंपाइलर क्या करता है सोर्स कोड लेता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है ठीक है ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती और हम जो लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेजेस और उस लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कंपाइलर uh, उसको सिस्टम कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो इनपुट कोड फॉर कंपाइलर इज कॉल्ड सोर्स कोड व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रीड और रिएक्ट करता है रियल टाइम सिस्टम्स ओके प्रलिमरी इन्वेस्टिगेशन design, design तो इसका आंसर ऑप्शन डी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप देखेंगे कि वो फीजिबल है कि नहीं जो कस्टमर मांग रहा है आप पहले देखेंगे कि क्या वो आपसे बन पाएगा कि नहीं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है प्रीलिमिनरी यानी पहले इन्वेस्टिगेट करता है फिर आगे काम स्टार्ट करता है आइडेंटिफाई द ऑड टर्म्स अमंग द फॉलोइंग माइक्रोवेव ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर वायर तो यहां पे ऑड टर्म इनमें से ऑड टर्म कौन सा है यहां पे जो ऑड टर्म है उसका नाम है माइक्रोवेव ये सारी जो फ़ाइबर्स हैं ये आपके नेटवर्क में यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेट कनेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर होते हैं कोई एक्चुअल केबल यूज होता है ट्विस्टेड वायर यूज होते हैं और माइक्रोवेव यूज़ नहीं होते हैं. तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो गया माइक्रोवेव हुआ ओके okay? नेक्स्ट है आपका स्काइप इज यूजअली यूज फॉर स्काइप आपने देखा है ये माइक्रोसॉफ्ट अब ओन करता है स्काइप तो स्काइप इज यूज फॉर सोशल नेटवर्किंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वर्चुअल क्लासरूम और एचुअल क्लासरूम तो स्काइप यूजअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है ओके स्काइप इज मेनली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आई सी टी प्लस कम्युनिकेशन दोनों ही टॉपिक से मिल के बना है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटरपर्सनल कहते हैं जब एक इंसान अपने आप से कम्युनिकेट करता है या गॉड से करता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं ओके स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल टेबल्स कैन बी जनरली जेनरेटेड ऑन तो स्टैटिस्टिकल टेबल्स किस में जनरेट करते हैं वर्ड में एक्सेल में पावर पॉइंट में या पेन ब्रश में तो टेबल्स आप यूजुअली एक्सेल में जेनरेट करते हैं डेटा से रिलेटेड अगर आपको जैसे पाई चार्ट बनाना है या टेबल चार्ट बनाना है तो आप एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं सिम स्टैंड फॉर सिम यानी आप मोबाइल में आप जो सिम यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ओके सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल आपको हर एक नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एक सिम दी जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूटिंग और इंटरनेट के टर्म्स में कौन सा करेक्ट पेयर है प्ले स्टोर एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या नहीं प्ले स्टोर आपने मोबाइल में देखा होगा जिसमें आप ऐप डाउनलोड करते हैं पिक्सेल करलन एनहांसिंग फैसिलिटी है क्या नहीं यूएसबी एंटी वायरस है क्या नहीं ये एक तरीके का केबल होता है यूएस बी केबल हम बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज यूनिट है आपकी फर्स्ट टीबी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था बिग बाइट केलोबाइट मेगा बाइट घीगा बाइट और टेराबाइट तो आजकल के जो लैपटॉप्स हैं कई उसमें टीबी तक लोग स्टोरेज डेटा लेते हैं और वन टी बी कितना होता है वन टी बी होता है

आपकी टीवीज में आजकल एलईडी टीवी आती है एलईडी लाइट्स भी आती हैं स्टूडेंट्स आपने देखा होगा लोग अपने घरों में लगाते हैं तो वो क्या है वो एक क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एंड एरर इन अ कंप्यूटर इज कोई भी अगर एरर होता है कंप्यूटर में वायरस होगा बग होगा फेटल एरर होगा या पावर एरर होगा तो कंप्यूटर में जो भी एरर्स होते हैं हम उनको कहते हैं Bugs. क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स उनको बग कहा जाता है एरर इन कंप्यूटर मत सोचिएगा कि ये simple question है, exam में ऐसे question नहीं आते हैं तो कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कौन सा सर्च इंजन है तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो है एमएसएन एम एस एन एक तरीके का सर्च इंजन है ओके okay. तो एमएसएन का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क फेसबुक क्या है फेसबुक आपका है ये है सोशल नेटवर्क है यूट्यूब भी आपका सोशल नेटवर्क है विंडोज क्या है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएसएन क्या है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रिप्शन इज इंक्रिप्शन में क्या होता है कोडिंग ऑफ मैसेजेस इज टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस कोडिंग ऑफ कंप्यूटर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस कोडिंग ऑफ बार्स ऑन कंप्यूटर पेरिफेरल्स कन्वर्जन ऑफ हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी तो इसमें आप क्या कहते है? Code, आप करते हैं कोड आप मैसेजेस को प्रिवेंट करते हैं ठीक है जैसे अगर आपको किसी को एक मैसेज uh, भेजना है तो हम क्या करते हैं अगर जैसे आपको कुछ मैसेज भेजना है आई एम प्रोग्रामर ठीक है तो आपने क्या किया ये मैसेज है तो अगर आपको ये किसी को भेजना है तो अगर आप डायरेक्टली भेजेंगे तो कोई भी ये मैसेज को रीड कर सकता है और मिसयूज कर सकता है ठीक है हो सकता है कि ये किसी तरीके का एक स्पेशल कोड हो तो आप क्या करते हैं इनक्रिप्शन में क्या करते हैं इस मैसेज को तोड़ मड़ोड़ देते हैं हो सकता है पी इधर आ जाए हो सकता है यहाँ का एम इधर आ जाए फिर आर आ जाए फिर आई आ जाए फिर एम आ जाए ठीक है तो मैसेजेस को कन्वर्ट करना स्क्राम्बलिंग ऑफ मैसेजेस टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस उसको कहते हैं इंक्रप्शन तो इनक्रिप्शन में आप क्या करते हैं नॉर्मल सा डेटा को आप चेंज कर देते हैं ताकि दूसरे लोग उसको रीड ना कर सके डिजिटल सिग्नेचर मीन्स अ डिजिटल कोड दैट कन्वर्ट्स यूजिंग फिजिकल ट्रेट ऑफ ए डिवाइस मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स अ लोगो ऑन टू वेबसाइट फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन और मल्टी लेवल पासवर्ड यूज टू लॉग इन टू अ यूनिक कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है अब मैथमेटिकल स्कीम है जिससे आप वेरीफाई करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या फेक है ठीक है ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है करेक्ट है कि नहीं वॉट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का यूनिट क्या है बिट बाइट ग्राम या hertz. तो इंफॉर्मेशन का यूनिट है बिट नेक्स्ट okay? है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है एक्सपी विस्टा ऑफिस टू थाउजेंड सेवन या ऑफिस टू थाउजेंड एंड टेन एम एस ऑफिस का ऑफिस विस्टा तो यहां पर आंसर है ऑफिस विस्टा विच इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस तो विस्टा नहीं है ओके okay. यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी ई आर पी इज एन एक्रोनिम फॉर ई आरपी किसका फुल फॉर्म क्या है ई आर पी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है ओके okay. सी इसका आंसर है नेक्स्ट है ट्रॉजन हॉर्स इज ट्रोजन हॉर्स क्या है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच फंक्शन विद इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट वायरस एप्लीकेशन डिजाइन टू एनहैंस क्वालिटी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अपियसिटीमेट बट कंटेन्स हिड फंक्शन दैट कैन कॉज डैमेज तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ट्रॉजन हॉर्स एक तरीके का मैलवेयर है अब आप सोच रहे होंगे मैलवेयर क्या होता है मैलवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिनका काम है बस आपको हार्म पहुंचाना आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने का काम होता है मैलवेयर का मैलवेयर के टाइप्स क्या हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर होते हैं आपके वायरस एक तरीके का मैलवेयर है आपका वर्म एक तरीके का होगा मैलवेयर है ट्रोजन हॉर्स हो गया ठीक है या लॉजिक बॉम्ब हो गया ये सारे क्या है आपके मैलवेयर हैं अब यहां पे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो दिखता तो आपको सही है जैसे अगर आपने आपने नेट पे कोई आपको सॉफ्टवेयर दिखा ए सॉफ्टवेयर है आपको लगा कि ये सही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ और इसको मैं यूज कर लूंगी पर उसके साथ अटैच क्या होगा एक तरीके का ट्रोजन हॉर्स अटैच होगा ठीक है जो ए के साथ अटैच हो जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं ये आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने लगता है ठीक है तो ये है आपका जो लेजिटिमेट दिखता है पर उसका काम है हम् का। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूज ओनली यानी कंप्यूटर आप जानते हैं कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं या हम कहते हैं जीरोस एंड वन्स जीरोस और वन्स की जो भाषा होती है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं या मशीन लैंग्वेज कहते हैं बी इज द राइट आंसर ठीक है द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड देखिए आप जानते हैं जो भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं आप एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस ओपन करते हैं आप क्या करते हैं ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं आप क्या करते हैं पावर पॉइंट भी ओपन कर लेते हैं ठीक है अगर बीच में आपको सॉन्ग सुनने का मन करा तो आप कोई म्यूजिक प्लेयर भी ओपन कर लेते हैं ठीक है उसके बाद कई बार हम बीच में बैठे बैठे अपनी फोटोज भी देखने लगते हैं तो ये सब क्या है ये इतने सारे एप्लीकेशंस आपके प्रोग्राम में एक साथ रन होते हैं तो ये एबिलिटी इसको बोली जाती है मल्टी और स्टूडेंट्स कई बार आपने सोचा है कि आपने विंडोज में विंडोज में एस क्यू होता है ये एस का मतलब ही मल्टीटास्किंग है ठीक है आप अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा विंडो ओपन कर लेते हैं बहुत सारी चीजें आप एक साथ करते हैं तो इसको आप कहते हैं मल्टी ठीक है इंपॉर्टेंट है in Wi-Fi. Fi stands for what? Finish, finish, firewall, or fidelity. ठीक है वाई फाई में Fi का फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है जल्दी से बताइए तो यहाँ पे स्टूडेंट वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी क्या है वायरलेस फिडेलिटी कई स्टूडेंट्स हम लोग रोज वाईफाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बट हमको वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं पता है आजकल इतने डिजिटली एडवांस हो गई है दुनिया तो ये बहुत ही एक बेसिक फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए एक्ज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए वाई फाई का परफॉर्म क्या है वाईफाई मतलब होता है वायरलेस फिटेलिटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड टेक्स ग्राफिक कॉम्बिनेशन जिसमें आप साउंड भी है यानी ऑडियो भी है वीडियो भी है कुछ टेक्स्ट भी है ग्राफिक भी है कुछ जी आई एफ भी हो सकता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट जब ये सारी चीजें एक साथ आप यूज करते हैं तो वो कहलाता है मल्टी क्योंकि मीडिया का मतलब क्या होता है ये सारी जो डिफरेंट चीजें हैं ना ये मीडिया मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओके यहाँ पे आपका आंसर क्या हो रहा है रोम इज अ सीडी रोम क्या है सेमीकंडक्टर मेमोरी या मैग्नेटिक मेमोरी है ट्रांजिट मेमोरी या मेमोरी मेड ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल सीडी रोम क्या है तो सीडी रोम का मतलब होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी ओके सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्ट रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग पंच होल्स थिक एंड थिन लाइंस डॉट्स या लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स बार कोड किस तरीके की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो यूज करता है थिक एंड थिन लाइंस आपने देखा होगा ना ऐसी कुछ पतली पतली लाइंस होती हैं थिक कभी थिन कभी थिक लाइंस तो ये क्या होती हैं ये होता है बारकोड ठीक है आप कभी भी कुछ चीज परचेस करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो यहाँ पे काम आता है आपको बारकोड अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट वाइल अदर ग्रुप डज नॉट है डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप इज कॉल्ड आपने देखा है आजकल के जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ आता है बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते तो इसको क्या कहा जाता है Okay okay students so just give me a moment i'll be right back ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अगर एक ग्रुप को कंप्यूटर और इंटरनेट uh, का एक्सेस है दूसरे को नहीं है तो उसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है uh, यहाँ पे देखिए क्या हो गया है कि एक ग्रुप है जिनको तो सब कुछ है इंटरनेट का एक्सेस और दूसरा नहीं है कई बार कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसी जगह है जहां पे इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आता है और फैसिलिटीज नहीं है तो उसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड ये क्लास मॉर्निंग में ही होती है बट आज किसी वजह से uh, मैं मॉर्निंग की क्लास नहीं ले पाई सो आई थॉट नॉट टू मिस सो आई आई हैव टेकन इन द आफ्टर ओके अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को डिरेक्शन देते हैं उसको कहते हैं क्या कहते हैं स्टोरेज मेमरी लॉजिक या प्रोग्राम अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम ठीक है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है आपका सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे डी है आपका राइट आंसर ट्रांसिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जेनरेशन थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन तो ट्रांसिस्टर्स आपके किससे एसोसिएटेड हैं ठीक है तो ट्रांजिस्टर्स आपके सेकेंड जेनरेशन से एसोसिएटेड है याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं वैक्यूम ट्यूब एसोसिएटेड होते हैं फर्स्ट जनरेशन से देन ट्रांजिस्टर देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स ओके देन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वॉट इज द फुल पी का फुल फॉर्म क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फ्री ट्रांसफर और फ्री ट्रांसमिशन एफ टीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी स्टैंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट इज वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर तो वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग ये सारे के सारे हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्योंकि देखिए वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जैसे आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसको आप वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं स्प्रेडशीट यानी आप एक्सेल यूज करते हैं फ़ोटो फोटो एडिटिंग के लिए आप जैसे फोटोशॉप यूज करते हैं तो ये सब क्या है डिफरेंट एक एक एप्लीकेशन के लिए एक एक सॉफ्टवेयर है तो हम इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपके कंपाइलर हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए एडिटर्स होते हैं एडिटर मतलब नॉर्मल एडिटर नहीं स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स में आपने सी सुना होगा कमांड प्रॉम्प्ट ये एक तरीके का एडिटर होता है ठीक है तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है एप्लीकेशन बैकअप वाले सॉफ्टवेयर आपके फोटो एडिटिंग आ सकते हैं ओके okay? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट कन आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे देखिए हम नीचे से चलते हैं यूएसबी एंटीवायरस है ओके okay, ये क्वेश्चन हमें डिस्कस कर चुका है यहां पे करेक्ट पेयर है टीबीटी बी मेमोरी स्टोरेज यूनिट है एक बार और हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है नेक्स्ट देखते हैं डॉट डैट इज अ वर्ड फाइल डिलीट फाइल डेटा फाइल या ड्राइवर फाइल ओके यहां पे डेटा फाइल डॉट डेट क्या है ये एक तरीके के डेटा फाइल है ओके डॉट इज अ डेटा फाइल नेक्स्ट इज द टर्म ब्रॉडबैंड इज कॉमनली यूज फॉर एफ एम रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरनेट या टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड इज यूज फॉर इंटरनेट राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के बाद से रिलेटेड कौन सा सबसे ज्यादा इकनॉमिकली सूटेबल है टाइम और कॉस्ट के रिस्पेक्ट में कौन सबसे ज़्यादा आपको लो कॉस्ट में पड़ता है तो वो है एक ईमेल ईमेल सेंड करने में आपको पैसे भी नहीं लगते स्टूडेंट्स और टाइम भी बहुत कम लगता है रादर देन अगर आप कुछ फैक्स करेंगे या टेलीग्राम या पोस्ट आप करते हैं कई लोग कुछ चीज़ें लेटर्स वगैरह ईमेल सबसे इकोनॉमिकल है डैश विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस प्रॉफिट बिजनेसेस के के लिए क्या यूज होते हैं तो प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए हम यूज करते हैं डॉट कॉम डॉट नेट यानी डॉट नेटवर्क डॉट ई एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए डॉट ओ आर के लिए डॉट .com, कॉम आपकी कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है द टर्म डी इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DTH टर्म किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड डायरेक्ट ट्रांसमिशन फॉर डायग्नोस्टिक या यूज ऑफ सैटेलाइट्स फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन तो यहाँ पे DTH यूज होता है फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मेड विद बायोसिप ट्रांजिस्टर्स ICs या वैक्यूम ट्यूब्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स देन आपका आता है ट्रांजिस्टर्स देन आता है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ओके यहां पे फिर आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर और आपका आता है फिर ए आई और यूएलएस आई ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिक कोबोल लोटस या फॉरन बेसिक एक तरीके की कंप्यूटर की लैंग्वेज है कोबोल भी है फॉरटन भी है जिसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लोटस आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ट्विटर इज जनरली यूज फॉर सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग ट्विटर एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है मिलियंस ऑफ यूजर्स है ट्विटर के ठीक है ट्विटर इज यूज फॉर सोशल नेटवर्किंग नेक्स्ट इज इन अ वर्चुअल क्लासरूम अ टीचर्स फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नीडेड अ टीचर्स फिजिकल प्रेजेंस इज नीडेड प्रिंसिपल्स प्रेजेंस इज नीडेड या स्टूडेंट्स प्रेजेंस इज नॉट नीडेड तो वर्चुअल क्लासरूम में टीचर का फिजिकल प्रेजेंस नीडेड नहीं है ठीक है टीचर फिजिकली आपके सामने नहीं हों जैसे जो आप और मैं अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं ये क्या है एक तरीके का वर्चुअल क्लासरूम है नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट ड वर्ड फाइल पिक्चर फाइल रिलेटेड फाइल और ड्राइवर फाइल डॉट डॉट डॉक एक तरीके की वर्ड फाइल है ओके okay? डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट और अब हम डॉक्स यूज कर रहे हैं ओके okay? ये एक तरीके का ये न्यूअर वर्जन है डॉक का ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हम लोग डॉक्स डॉक्यूमेंट फाइल भी कहते हैं नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा कैपेसिटी तो डेटा कैपेसिटी किसने ज्यादा होती है के बी एम बी जी बी या टी बी में हम सभी जानते हैं कंप्यूटर्स में डेटा कैपेसिटी सबसे ज्यादा टी बी होती है क्योंकि वन टी बी इज इक्वल्स टू वन जीरो टू फोर जी बी और वन जी बी कितना होता है वन जीरो टू फोर एम बी और वन एम बी होता है वन जीरो टू फोर के बी और वन के बी होता है वन जीरो टू फोर बाइट नेक्स्ट इज विच फॉलोइंग इज यूज फॉर सीरियल एक्सेस स्टोरेज ओनली यानी सीरियली ऑर्डर वाइज अगर आपको कोई चीज एक्सेस करनी है तो वो आप किस में करते हैं रैम में मैग्नेटिक डिस्क और मेमोरी या मैग्नेटिक टेप mm -hmm. तो मैग्नेटिक टेप में स्टूडेंट्स मैग्नेटिक टेप में सीरियल एक्सेस होता है ओके राइट आंसर इज ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप ओके सो दैट्स इट स्टूडेंट्स ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था आई होप आपको सेशन पसंद आया हो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हम कल भी डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर वन पर कल का सेशन सेम टाइमिंग पे होगा 7:30 पे ओके okay? 7:00 7:30 के बीच में होगा स्टूडेंट्स सी यू टुमारो टेक केयर